हरि शरण राम भद्र रामानुज लक्ष्मण और मिथिला में उपस्थित समस्त संत परिकर। बालक जब अपने गृह में होता है तो ये उत्तरदायित्व तो बालक के माता पिता का होता है कि जब बालक भोजन कर ले तो उसे किसी पौराणिक कथा का श्रवण करावे। वही बालक जब अपने गुरुदेव भगवान के सानिध्य में होता है तो गुरुदेव भगवान का यह पुनीत कर्तव्य बन पड़ता है कि जब बालक प्रसाद प्राप्त कर ले तो उसे किसी धर्म की चर्चा से जोड़ा जाए। यह हमारी सनातन परंपरा है और सनातन परंपरा इसलिए है कि हमारे बालक में धर्म के प्रति रुचि बने और आगे चल के हमारा बालक धार्मिक बने। इस कारण से इस परंपरा को डाला गया और उसी का निर्वाह करते हुए मैं आप सभी को एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा दास ने उस समय प्राप्त की थी जब वह अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम में रह के शिक्षा पा रहा था। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान ने संस्मरण विधाक के माध्यम से एक ऐसे महात्मा की कथा सुनाई जिन्हें अपने 450 जन्मों की याद। बिल्कुल सत्य घटना है यार, विश्वास आपको करना है, घटना सत्य है, मैं बतला रहा हूं। 450 जन्मों की याद थी और एक जन्म में वह कर्मवश वृषभ श्रेष्ठ की योन में इस धराधाम पर आए। भगवान शंकर की कृपा के कारण उन्हें पूर्ण ज्ञान था, इसलिए अपने स्वामी के लिए पूरे जीवन पूर्ण शक्ति और श्रद्धा के साथ कमाते रहे। समय बीता, जब समय बीता तो आप वृद्ध हो गए। जब वृद्ध हुए तो आपके साथ एक अप्रिय घटना घटी कि आप एक अंधे कुएं में जा गिरे। बैल के मालिक को जब यह सूचना प्राप्त हुई कि हमारा बूढ़ा बैल अंधे कुएं में जा गिरा है, वह विचार करने लगा कि बैल हमारा बूढ़ा हो गया है और अगर फिर भी हम इस पर दया करके इसको कुएं से बाहर निकलवाते हैं तो यह निकलवाने में भी घायल हो जाएगा। अब बताओ बूढ़ा और घायल मेरे किस काम का। उसने निर्णय लिया कि इस बैल को इस कुएं में जिंदा दफना दिया जाए। यह प्रस्ताव लेके जब वह अपने घर गया, गृह स्वामी को सुनाया तो गृह स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगी, स्वामी, जिसने हमको जीवन भर कमा कर खिलाया है, जिसने हम लोगों के भंडार भरे हैं, आज वह संकट में है और आप कह रहे हैं कि उसे जिंदा दफना दिया जाए। ये समाज के लोग आपके जब इस निर्णय को सुनेंगे तो क्या ये नहीं कहेंगे कि आपका निर्णय कठोर रहा। मुस्कुराने लगा गृह स्वामी, कहने लगा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तो मनुष्य हूं, ऐसे निर्णय तो देवता भी लेते हैं। देवता? स्वामी, देवताओं का स्थान तो बहुत ऊंचा होता है, क्या ऊंचे स्थान पर बैठने वाले लोग इतने निर्मम होते हैं? हाँ हाँ देवी, इस जगत में कौन नहीं जानता कि कमल को खिलाने वाले सूर्यदेव कमल को खिलाते हैं, लेकिन जब सरोवर का जल कम हो जाता है तो वही सूर्यदेव कमल को समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार से पवन देव को देखो, कहीं अग्नि लगी हो, पवन चल जाए तो अग्नि प्रबल हो जाती है, लेकिन दीपक की कमजोर अग्नि को पवन देव भी बुझा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सबल के साथ सब, निर्बल बिल्कुल अकेला रह जाता है, बिल्कुल अकेला। निर्णय हो गया, सबने उठा लिए फावड़े और कुएं में मिट्टी पड़ने लगी। जब मिट्टी वृषभ श्रेष्ठ के ऊपर पड़ी तो उन्होंने एक बार आवाज दी कि मेरे प्राण संकट में है, मैंने तुम्हें जीवन भर कमा कर खिलाया है,
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन उन कठोर वादियों तक ये आवाज नहीं पहुंची। वो थे तो बैल के रूप में, लेकिन भगवान शंकर की कृपा के कारण उन्हें पूर्ण ज्ञान था। जान गए कि ऊपर वालों ने क्या निर्णय लिया है। आवाज आनी बंद हो गई। ऊपर वालों ने सोचा कि जो दफनाने का कार्य हम कर रहे थे लगता है पूर्ण हो गया। एक व्यक्ति ने उसमें झांक कर देखा और जिस समय उसने कुएं में झांका और देखा तो देखता ही रह गया। क्यों? क्योंकि वह वृषभ श्रेष्ठ उस कुएं में एक अजीब हरकत कर रहे थे। मिट्टी जब उनकी पीठ पर पड़ती तो वह अपनी पीठ हिला देते, मिट्टी नीचे गिर जाती। वृषभ श्रेष्ठ अपना पैर उठाते और मिट्टी के ऊपरी तल पर रख देते। ऊपर वाले मिट्टी डालते गए और वृषभ श्रेष्ठ के द्वारा सतत यह कार्य किया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह कुएं से बाहर आ गए। आइए, इस कथा को क्यों कहा जाता है, क्यों सुना जाता है? ये कथा किसी बैल की कथा नहीं है, ये कथा हम सब के जीवन की कथा है। हम अपने बच्चों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो जिन बच्चों के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं उनसे हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ आशाएं हमने उनसे बांधी होती हैं। हो सकता है जीवन में ऐसा भी अवसर आवे जो अपेक्षाएं आशाएं हमने अपने बच्चों से बांधी हैं उन पर वो खरे न उतर पावे और हमें सुविधा देने की जगह असुविधा पहुंचाने लगे, तो क्या हम उसी गर्त में पड़े रहेंगे? ना, उनके द्वारा दी गई सुविधाओं को ही सफलता की सीढ़ी बनाकर हमें गर्त से बाहर आना है। गुरुदेव भगवान समझा कर कहते थे कि पंख से यदि निकलोगे, पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख से यदि निकलोगे तो लोग तुम्हें पंकज कहेंगे और पंख में यदि घुसोगे तो लोग तुम्हें मेढक कहेंगे। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। हाँ, आप लोग सुन रहे थे गाधि तनय महामुनि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के रूप में संत सरोज जी शास्त्री, एक बात विशेष है इनके जीवन में, ये अन्न नहीं ग्रहण किया है इन्होंने कई वर्षों से। शनिदेव मंदिर है तिस्ती में, वहां के आप पुजारी हैं, फलाहारी बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के रूप में आप इन्हें देख रहे हैं। कहानी लगे कछु कथा पुरानी, जो कथा कही गई महामुनि के द्वारा प्रभावित हुए हैं उससे। श्री दशहरा मेला कमेटी के सक्रिय सदस्य सौरभ तिवारी किशनपुर निवासी, आपके द्वारा 100 कुश मुद्राएं महामुनि विश्वामित्र जी के लिए प्रदान की गई हैं। साथ ही हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री दुर्गेश जी त्रिपाठी, आपके द्वारा भी 50 कुश मुद्राएं महामुनि विश्वामित्र जी के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। रामभद्र, मेरी दृष्टि एकाएक भगवान भास्कर की ओर गई, मानो वह संकेत कर रहे हैं कि संध्योपासन का समय है। और मैं यह मानता हूं कि संध्योपासन के विषय में बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना संध्या करना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारे समाज की यह विडंबना है कि संध्या के विषय में हम बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन संध्या में वैसी हमारी रुचि होती नहीं है। गौ सेवा
पर सभा को संबोधित करते लोगों को आप कभी सुनिएगा? जब आप सुनेंगे उनको, उनके संबोधन को, तो आपको लगेगा कि जगत का सबसे बड़ा गौभक्त मेरे सामने खड़ा है। लेकिन आप उनके घरों में जाइए, सच्चाई उनके घरों से दूर रहती है। उनके घरों में गौ के नाम पर आपको एक पूंछ नहीं मिलेगी। लेकिन सभा को जिस समय वो संबोधित करेंगे, तब आपको लगेगा कि सबसे बड़ा गौभक्त अगर कोई है तो ये व्यक्ति है जो सामने खड़ा है। बात क्या है? बात यह है कि उन्होंने सभा को संबोधित करने की महारत हासिल कर ली है। बस बात इतनी है। रामभद्र, आप अपने छोटे भाई को साथ लो, संध्योपासन कहो भी, संध्योपासन करो भी, और समाज में यह आदर्श प्रस्तुत करो कि जो हम कहते हैं वह करते हैं, मैं भी संध्योपासन करूंगा। संध्या करन चले दो भाई। हाँ, आज प्रभु राम जी के रूप में हम आप जिन्हें देख रहे हैं, रामलीला जगत के सिरमौर राम अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ राम अभिनेता, परम आदरणीय पंडित श्री रामदत्त जी द्विवेदी, आपके द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह रूप धारण किया गया है, जिनकी वाणी मात्र सुनते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे राम के स्वरूप में परम आदरणीय श्री रामदत्त जी द्विवेदी, साथ ही श्री दशहरा रामलीला कमेटी को सहयोग प्रदान हुआ है, दीपक सोनी बाजार, दीपक सोनी बाजार, आपके द्वारा 500 कुश मुद्राएं श्री दशहरा रामलीला कमेटी को प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकार निरंजनं नित्यबोधो चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवं उदयः सुप्रकाशेन गुरु शब्देन कथिते। मार्ग साम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओत्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। पर वही साधना जब श्री गुरु के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, पर जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान करते हैं। ऐसे परम करुणा वनालय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को संध्योपासना हेतु आज्ञा प्राप्त हुई है। लक्ष्मण, हमारा यह पावन कर्तव्य है कि हम दोनों बंधु उपासना करें, क्योंकि उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना वह साधन है जिस साधन के द्वारा साधक साध्य की निकटता प्राप्त कर लेता है। विगत होता हुआ प्रत्येक क्षण मात्र इतिहास का अंग बनता जाता है। आने वाला भविष्य उस प्रश्न को फाड़ भी सकता है और कभी आवश्यकता पड़ने पर उस पर बहस भी कर सकता है। यह जानते हुए हमें यह स्वीकारना होगा कि जीवन में मूल तत्व केवल क्षण है। क्षण
एक अवसर है और अवसर का सदुपयोग कर लेना यह श्रेष्ठ जनों की शौर्यता का प्रतीक है। तभी तो बारंबार मनीषियों ने अपने ही मन को सावधान करते हुए सचेत करते हुए यह कहा, मन पछताई है अवसर बीते, अवसर बीत गया फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचता। समय संध्योपासना का है, आओ दोनों बंधु संध्योपासना कर। चलो भैया चलो भैया करी संध्या, चलो भैया करी संध्या, समय सुंदर समय सुंदर निहार के चलो भैया करें समझा, समय सुंदर निहार के समय संध्या का आया है, समय संध्या चलो भैया करें संध्या, समय सुंदर निहार के चलो भैया चलो चलो भैया करें समझा, समय सुंदर निहार के समय संध्या का आया है, समय संध्या का आया है छटाया सर्वेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी। प्रभावित हुए हैं श्री दशहरा रामलीला कमेटी के सक्रिय सदस्य सौरभ तिवारी किशनपुर निवासी, आपके द्वारा राम जी सरकार का 100 कोष मुद्राओं से पूजन किया गया है। साथ ही उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप जी द्विवेदी आपके द्वारा भी 50 कुछ मुद्राओं से राम जी सरकार का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई सिंदूर
हरिवुर भाव भक्ति के हरिवुर भाव भक्ति के छिले सुर मन सितार के चलो भैया आपके द्वारा मंच पर उपस्थित विश्वामित्र राम जी और लखनलाल जी व्यासपीठ पर व्यास जी महाराज और तबला वादक के लिए संयुक्त रूप से 100 कुश मुद्राएं समिति की ओर से प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जय श्री शोभन सरकार रामलीला नाट्य कला मंच जिसके संरक्षण हमारे धनेश जी शुक्ला जी और संचालक हमारे ज्ञानेंद्र प्रकाश मिश्रा हमारे बड़े भैया ज्ञानू भैया जिनका एकमात्र डंका बोल रहा है। मंडलाधीश तो बहुत है लेकिन इनके जैसा मंडलाधीश कोई नहीं है क्योंकि ये रंगवास टाइप के मंडलाधीश है। आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के सुंदर अभिनय पे सादर चरणों में समर्पित किए जा रहे हैं। कोट सा धन्यवाद है, साधुवाद है। पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज उठाना है। हाँ साथियों, बड़े सौभाग्य का विषय है, रामलीला हो रही है और राम के अभिनय को अभिनीत करने का सशक्त अभिनेता आपके नाट्य मंच पर है। तो सबसे पहले हम अपने अनुज के नाम का ही पुरस्कार बोलेंगे। ऋषिकांत ये ऐसा व्यक्ति है, सोते जागते हमेशा रामलीला ही इस व्यक्ति के मन में है और ये गांव का एक ऐसा व्यक्तित्व भगवान ने जिस योग्य बनाया फिर भी राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने वाला हमारा अनुज ऋषिकांत जी आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राओं से भगवान परमात्मा श्री राम जी की पूजा की गई और इस कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक हमारे ये भतीजे हैं रविकांत जी। रविकांत जी छुटकू भैया, आपने 101 पत्र मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया है और कुलदीप जी पीछे नहीं रह सकते हैं क्योंकि पहली पसंद रामदत्त जी की कुलदीप जी की ही है। तो कुलदीप जी ने भी 101 पत्र मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया है। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और साथ ही श्री गजानन सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री राम जी गुप्ता
आपके द्वारा मंच पर उपस्थित समस्त पात्रों को व्यासपीठ तबला वादक सहित सभी के लिए 100 कुश मुद्राएं प्रदान हुई हैं। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष जी ने देखा कि पूरी मेहनत हमारे व्यास जी की भी बराबर चल रही है, तो ये हमारे अनुज है रिशु तिवारी, और आपके निमित्त समस्त रामलीला समिति के पदाधिकारियों की ओर से, एक व्यक्ति की ओर से नहीं, 101 पत्र मुद्राएं ये व्यास मंच पर रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारियों ने आपके निमित्त प्रदान किए हैं। और अनुरोध ये है कि व्यास मंच में कहीं सूनापन नहीं होना चाहिए। जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज उठाना है। प्रश्न उठता है, परमात्मा ने मानव तन दिया है और इसके बाद भी जो आज तक अंधकार में पड़े हैं तो उनके लिए क्या प्रयास करना, पड़े हैं पड़े रहने दो। लेकिन नहीं, यह दायित्व तो बनता है समाज में। जब व्यक्ति ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होता है, जिसे ऊंचाई मिलती है, यह दायित्व तो उसी का हो जाता है कि जो बहुत पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने का प्रयास किया जाए, जो आज तक अंधकार में हैं उन्हें प्रकाश में लाया जाए। यह ऊंचाई पर बैठे व्यक्ति का दायित्व तो बनता है। और यदि ऐसा न किया गया तो फिर बात तो वही चरितार्थ होगी कि यह तो पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हाथों में पुष्प लेके, हाथों में पुष्प लेके कर ले संत भैया, चलो भैया।
हमारे भैया सौरभ तिवारी, सौरभ तिवारी जो रामलीला के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले व्यक्तित्व है, बड़े भैया है। सौरभ भैया ने ये 51 पत्र मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं व्यास भगवान के चरणों में प्रदान किए हैं। इस तरीके से 101 पत्र मुद्राएं हमारे सौरभ भैया ने प्रदान किए हैं। कोट कोट आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिछा दो आसनी, ये जो आप श्री राम जी का बड़ा ही सुंदर अभिनय लक्ष्मण जी महामुनि ज्ञानी श्री विश्वामित्र जी धर्मराज बड़ा ही सुंदर दरबार लगा है और आसनी बिछ गई है। अब संध्या कैसे की जाती है? लोग तो संध्या को वो सांसों की माला वगैरह वगैरह सांसों की माला। तो आइए, ये YouTube के माध्यम से चल रहा है कार्यक्रम, हमारी दूर दूर तक आवाज जाएगी और खास कर उनसे कहना है हमारा, बिछा दो आसनी अब राम रघुवर, हे तू पूजा की बिछा दो आसनी, करुण घंटी करुण घंटी संपत्ति आचमनी और धूप की बत्ती, करुण घंटी संपत्ति आचमनी और धूप की बत्ती, सभी सामान ले आओ, सभी सामान ले आओ, हुई अब बार पूजा की, बिछा दो आसनी अब आज रघुवर, हे तू पूजा की बिछा दो आसनी अब आज रघुवर, हे तू पूजा की। हे देवी तेरा आगमन कल्याण दा सबके लिए, है संधि का सुंदर समय अरु मोक्षदा सबके लिए, आते ही तेरे लग गए सब योगियों के ध्यान, आराधना करते तिहारी ब्रह्मदर्शी ज्ञान है, तेरे समय में हो भजन एकाग्र होकर ध्यावते हैं, नाम तेरा
बैठे गनत अरु तू बनी की नाटिका। और हाँ, बहुत ही सुंदर संध्या वंदन चल रहा है प्रभु श्री राम जी के द्वारा। प्रभावित हुए हैं दशहरा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविकांत जी शुक्ला, छुटकू शुक्ला आपके द्वारा 100 कुश मुद्राओं से भगवान का पूजन किया है। साथ ही श्री सोहन सरकार रामलीला नाट्य कला मंच के मंडलाधीश आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी मिश्रा ज्ञानू भैया की ओर से भी 100 कुश मुद्राएं राम जी सरकार जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश बन बैठे गण बर तू बनेगी नाटिका। भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या 5 वर्ष की आयु में संध्या के हृदय में काम भावना उत्पन्न हुई। संध्या ने यह प्रण किया कि 5 वर्ष की अल्पायु में मेरा हृदय काम भाव से उत्प्रोत हो गया, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। पीछे विचार किया कि मैं तो अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, लेकिन संसार में तो यह क्रम चलेगा ही, इसलिए मैं तपस्या करूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि कोई भी बाल्यावस्था में काम भाव को न प्राप्त हो। ऐसा विचार करके संध्या ने तपस्या में संलग्न होने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा के समीप हमारे श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने भेजा। संध्या तपस्या के लिए गई है, लेकिन तपस्या की विधि जानती नहीं। तुम जाओ और संध्या को तपस्या की विधि समझाओ। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी वहां गए और उन्होंने संध्या को तपस्या की विधि समझाई और यह भी याद दिलाया कि तुमने अपने इस शरीर को नष्ट करने का जो व्रत लिया है, तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के बाद तुम्हें इस शरीर को नष्ट भी करना है। भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने वरदान दिया। वरदान वही मांगना था कि संसार में आप एक ऐसी मर्यादा स्थापित करें कि बाल्यावस्था में किसी के हृदय में काम जैसी भावना ना उत्पन्न हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि यह मर्यादा आज से ही स्थापित हो जाएगी और इसी पर्वत की उपत्यका में महामुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं, आप अपने शरीर को वहां नष्ट करें। शरीर को यज्ञ में नष्ट किया गया। अग्नि ने संध्या के उस सूक्ष्म शरीर को सूर्य मंडल में पहुंचाया। सूर्य ने संध्या के शरीर के 2 भाग किए। ऊपरी भाग रथ के अगले हिस्से में और नीचे का भाग रथ के पिछले हिस्से में, यही प्रातः और सायं संध्या है। और इसके बाद उन संध्या का दूसरा जन्म हुआ, जो हमारी स्त्री गुरुदेव की पत्नी के रूप में माता अरुंधति हमारे यहाँ विराजमान है। यह संध्या का चरित्र है, उनकी कथा है। हमारा बड़ा सौभाग्य और सनातन धर्मियों का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है, उन्हें प्रतिदिन संध्या उपासना करनी चाहिए। और हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुंदर वाणी, यह दिव्य संस्कार पे जो लाइव चल रहा है, इस लाइव पे देखकर प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन आया है समित के पास में पुरस्कार, श्री धर्मराज जी मिश्रा धारूपुर फतेहपुर निवासी, आपके द्वारा 51 कुश मुद्राएं राम जी सरकार जी के लिए प्रदान हुई हैं। साथ ही
श्री गजानन सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री रामजी गुप्ता आपके द्वारा भी 50 कुश मुद्राएं रामजी सरकार के लिए प्रदान हुई हैं। साथ ही श्री दशहरा रामलीला कमेटी के वर्तमान प्रबंधक आदरणीय श्री गुड्डू शुक्ला जी की ओर से भी 100 कुश मुद्राएं प्रदान हुई हैं। साथ ही श्री दशहरा रामलीला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष छुटकू शुक्ला जी की ओर से भी 50 कुश मुद्राएं राम जी के लिए प्रदान हुई है। मेरे आराध्य आराधना से शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष, मैं अर्चना के सुमन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे भोले, हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुप के कहां आवो मुक्ति के दाता, आवो मुक्ति के दाता परा संकट यहां, आवो मुक्ति के दाता परा संकट यहां। हे भोले, भोले हे भोले शंकर पधारो, बैठ छुप के कहाओ मुक्ति के दाता, बैठे कहाओ मुक्ति के दाता। हे गौरी शंकर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, जोर टूट जाए ना गंगा जटा में तुम्हारी, हो गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे। प्रभावित हुए हैं श्री दशहरा रामलीला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री छुटकू शुक्ला आपके द्वारा भी 100 कुश मुद्राएं। साथ ही बउआ मशीनरी स्टोर, राजकोट मशीनरी स्टोर बउआ सिंह कछुआ बस स्टॉप आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं। सौरभ तिवारी किशनपुर निवासी आपके द्वारा 100 कुश मुद्राएं। और साथ ही गुरुदेव दुर्गेश जी त्रिपाठी आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं राज्य सरकार जी के लिए प्रदान हुई है। साथ ही ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल चल रहा है दिव्य संस्कार पर, उसको देखकर प्रभावित हुए हैं दीपक मिश्रा नोएडा दिल्ली, आपने ऑनलाइन पुरस्कार दिया है 51 कुश मुद्राओं का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आवो मुक्ति के दाता परा संकट यहां, आवो मुक्ति के दाता परा संकट यहां। हे भोले,
सगरी जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी। सगरी जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता। से भोले शंकर पधारो बैठ चुप के कहा। अब भस्म रमैया सबको तजते अब भस्म रमैया सबको तजते। गंगा जटाएं तुम्हारी हम प्यासे हैं। महासती के पति मेरी सुनो बंदना। ये भोले और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा भूत भवन भगवान श्री शंकर जी की स्तुति की गई। प्रभावित हुए हैं उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप जी द्विवेदी आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं और गजानन सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री राम जी गुप्ता जी आपके द्वारा 50 कुश मुद्राएं। दशहरा मेला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री रविकांत जी शुक्ला छुटकू शुक्ला जी की ओर से 50 कुश मुद्राएं। दिव्य संस्कार चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन आया है 100 कुश मुद्राएं प्रदान की हैं। नीलू पांडे धारूपुर फतेहपुर से वर्तमान में आप विशाखापत्तनम से लाइव देख रहे हैं और 50 कुश मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की है। साथ ही कानपुर महानगर से पधारे हुए कुणाल जी दीक्षित आपके द्वारा भी 50 कुश मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। और साथ ही सह अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक जी द्विवेदी आपके द्वारा भी 50 कुश मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। समस्त प्राणियों को करना चाहिए जो नियमता नियम पूर्वक संध्या किया करते हैं वह अंत में पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। संध्या मुपास्ते तु सत्तम सस्प्रताह विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनः। जिन्हें संध्या का ज्ञान नहीं है जो संध्या नहीं किया करते वह अपने अभीष्ट पद से गिर जाते हैं एवं मरणों उपरांत स्वान आदि की उनको प्राप्त होते हैं। संध्या एन न विज्ञाता संध्या एन उपास्ता जीवन नेव भविच्छुत्रो मृता स्वाभिचा जायते। समय पर की गई संध्या इच्छित फल देने वाली होती है। समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली होती है। स्वकाले सेविता संध्या।